चंद्रपुर गाँव में रहुथिबा लीलावती जणे परिश्रमी महिला घरे तार स्वामी रमेश और पुओ माधव थिले। लीलावतीर तीन आखि थिबा गोटे गाई थिला, से ताहार भल देखाशुणा करुथिला। लीलावती गाईर गोबर रे जालिनी पई प्रस्तुत करुथिला, आउ लोकंको खीर मध्य बिक्री करिथाए। रमेश और माधव कौनसी काम कार्य करुनथिले, तेणु घरर समस्त दायित्व लीलावती उपरे थिला। गाँ लोक माने कहिबा परे लीलावती भाविला ताकु सहाय्य करिबा पई बहुटी आणिबा भल हेबो, तेणु से प्रस्ताव खोजिला। देखु देखु मोहिनी नामक जणे झियो सह बाहाघर ठीक होइगला। पुणी किछि दिनरे माधवर बाहाघर होइगला। प्रथमे प्रथमे मोहिनी घरर समस्त काम करुथिला, किंतु किछि दिन बीतीगला परे अलसी हेबाकु लागिला। गोटिए दिन मोहिनी जाणीशुणी सोइथाए, तेबे लीलावती, आरे बहु आज कौन कौनसी काम ना कि? मोहिनी कहिला, ए बुढ़ी मते एसबु विषय कहना आउ आज मते खीरर अधा टंका दरकार, जदि किछि एपट सेपट कर ताहले मु घर छाड़ी चली जीवि। लीलावती कहिला, ना बहु समाज रे मोर कलंक होइजिबो, मु तते सबुदिन खीरर अधा टंका देबी। बहुर एपरी कथारे दुखी हो लीलावती गाई पाखरे जाई कांदिबाकु लागिला, ए मोर तीन आख बाली गाई तोते काली ठारु अधिक क्षीर देवाकु पड़िबो, मो बहु क्षीरर अधा टंका नेइजिबो। आग दिन ठारु पुणी तीन आखि बाली गाई अधिक क्षीर देला, एहा देखि मोहिनी आहुरी लोभ कला। आउ अधिक टंका रोजगार पई ताहार शाशु लीलावती को कहिला कि क्षीरें पानी मिसेई बिक्री करिबा, किंतु लीलावती राजी हेउनथिला। किंतु बहुर कड़ा कथारे से क्षीरें पानी मिसेई बिक्री कला, किंतु गाँ लोक समस्ते जाणीगले कि लीलावती क्षीरें पानी मिसेई आउ ताकु एणु तेणु कथाबार्ता करी चली गले। पुणी गोटिए दिन मोहिनी बजार जाउथिबा बेले गोटिए बड़ दुर्घटनारु ताकु तीन आख बाली गाई रक्षा कला, आउ निजे क्षत होइगला। सही दिन ठारु मोहिनी निजर भूल बुझिपारिला एवं गाँ लोक को मध्य भूल मागिला। पुणी थे गाँ लोक तांको पाखरु क्षीर किणिले, आउ वर्तमान लीलावती और मोहिनी आहुरी गाई किणी सारिथिले। परिमिता खाइबार बहुत सौक रखिथिला, किंतु से बिना पियाजरे खाइबा पसंद करे नाही। गोटिए दिन परिमिता ताहार जणे सांग सह नास्ता करुथिला, तेबे परिमिता, भाई कौन तरकारी देइछ एथिरे पियाज नाही, मागणारे देउछ कि पियाज दियो? तापरे लोकटी पियाज देला, तेबे सही बाट देई जणे परिवा बाली जाउथिला। परिमिता ता पाखरु पियाज किणी घर को नेइ आसिला। आग दिन जेतेबेले परिमितार माँ खाइबापाई नास्ता देला, तेबे परिमिता पियाज खाइबा को मागिला। एपरी से प्रतिदिन खाइबा समय रे पियाज मागिथाए, एहीपरी समय बीती चलिला। गोटिए दिन परिमिता को देखिबापाई आसिले, आउ सेमाने ताकु पसंद कले। पुणी किछि दिन परे दुई जणक बाहागर हेला। गोटिए दिन परिमिता सकाळु सकाळु गुपचुप आउ पियाज चटणी नेइकि आसिला, जहाँ देखि तार शाशु रागरे कहिला, बहु सकाळु सकाळु ए पियाज काहिंकि खाइबा को देउछ? परिमिता कहिला, माँ पियाज नहेले खाइबा भल लागिबो नाही। मानस कहिला, परिमिता मु कहिथिलि आम घरे अधिक कहि पियाज रसुण खाआंतिनि, आउ आज पुणी एकादशी। परिमिता कहिला, क्षमा करिबे शाशुमा, मु तुम पई किछि मिठा नहींकि आसुछि। एहिपरि पुणी किछि दिन बीतीगला। गोटिए दिन परिमितार शाशु बजाररु परिबा नेइकि आसिला। परिबा देखि परिमिता कहिला, माँ सबु परिबा नेइकि आसिल, किंतु पियाज आणिबा बोध हुए भूलिगल। मु जानिकि पियाज आणिनि, ब्याग फुल होइ जैथिला। परिमिता कहिला, मु जानिछि तुमको पियाज पसंद नाही, किंतु तुमे जानिछ पियाज खाइले केते फायदा होइथाय। तू अधिक कह नाही, मु जानिछि तोर पियाज खाइबा पसंद, सेथिपाई कहुचु। गोटिए समय कथा, गोपी नामक जणे चासी थिला। गोपी बहुत परिश्रमी थिला, समस्त लोक ताकु पसंद करुथिले एवं ता सहित भल व्यवहार मध्य करंती। गोपीर घर पाखरे किशोर रहुथिला। किशोर चाहुथिला गोपी ठारु से भल ना करिबो, तेणु सेथिपाई से बहुत चेष्टा कला, किंतु ताकु सेपरी सुजोग मिलिला नाही।
ଗୋଟିଏ ଦିନ କିଶୋର କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିସାରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ତେବେ ତାର ନଜର ଘର ଅଗଣାରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଫଳିଥିବା ଆମ୍ବ ଉପରକୁ ଗଲା। ସେ ଆମ୍ବକୁ ତୋଳି ତା ରୁମାଲରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋପି ଆସିଲା କିଶୋର କହିଲା, ଗୋପି ତୁମେ କହିପାରିବ ଏ ରୁମାଲ ଭିତରେ କେଉଁ ଫଳ ଅଛି? ଯଦି ତୁମେ କହିଦେଲ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୋ ଘରୁ ତୁମେ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ କହିଲ ମୁଁ ତୁମ ଘରୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହା ଆଣିବି। ଗୋପି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଭିତରେ ଅମୃତ ଅଛି। କିଶୋର କହିଲା, ଭୁଲ କହିଲ, ଏହା ଭିତରେ ଆମ୍ବ ଅଛି। ଗୋପି କହିଲା, ଆରେ ଆଚ୍ଛା ଏବେ କ'ଣ? କିଶୋର କହିଲା, ଚାଲ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବା, ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଦୁଇଜଣ ଗୋପିର ଘରକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସିଡ଼ିକୁ ହଟେଇ କିଶୋର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପି କହିଲା, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସିଡ଼ି ଧରିଛ, ତାହା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଅ। କିଶୋର କହିଲା, ଏହା ମୋ ସହ ଧକ୍କା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଲ ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି କହିଦେଲ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି କି ତୁମେ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶାଉଛ, ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ କହିଲ ଏ କଥା ପୁରା ଗାଁରେ କହିଦେବି। କିଶୋର କହିଲା, ତୁମ ବୁଦ୍ଧିମାନରେ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଲ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମ ମୁଠାରେ ମୁଦି ଅଛି। ଗୋପି ତାର ମୁଠି ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଦେଖାଇଲା କି ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ କିଶୋର କହିଲା, କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ? ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କଲେ କି ଅନୁଶାସନ ବିନା ସଫଳତା ଅସମ୍ଭବ।